हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जहां पे दोस्तों जो प्री 2016 पेंशनर्स हैं उनके एरियर को लेकर बात करेंगे। दोस्तों इक्वल एमएसपी पर जो कल कोर्ट की सुनवाई हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों सीएसडी में जो है फोर व्हीलर के लिए जो नए नियम है उसके बारे में बात करेंगे। तो सीएसडी ने जो दोस्तों दिसंबर 2023 से जो है अपने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, पहली बात करते हैं एमएसपी को लेकर। दोस्तों, एमएसपी का जो केस है वो हमारी तरफ से, जो पूर्व सैनिकों के जो वकील है उनकी तरफ से ऑलमोस्ट डन है। कल आपको पता है दोस्तों, कल सुनवाई हुई थी और कल सुनवाई जो है 45 मिनट चली है और ये जो 45 मिनट्स हैं, पूरे 45 मिनट्स हमारे जो पूर्व सैनिकों की तरफ से जो वकील है उन्होंने पूरा का पूरा दलील दिया, सारे आर्गुमेंट दिए। जो पिछली बार जो है डिस्कशन होना था, जहाँ पर डिस्कशन नहीं हो पाया था, वो सारे के सारे पॉइंट्स दोस्तों जो कि जेसीओ जवान के पक्ष में थे, वो सारे के सारे डिस्कस किए गए और वो जो है कोर्ट के सामने रखा गया। तो दोस्तों, जो जो आर्गुमेंट थे, जो जो पक्ष रखना था हमारे वकीलों की तरफ से, वो सारा कुछ हो चुका है। केस बहुत स्ट्रांग लग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, दूसरा जो है नेक्स्ट मंथ की 20 दिसंबर की डेट मिली हुई है। अब 20 दिसंबर को जो है सिर्फ और सिर्फ जो सरकार की तरफ से वकील है उन्होंने जो है पक्ष रखना है, उनको काउंटर करना है, लेकिन जो पूर्व सैनिकों की तरफ से जो भी डील्स हैं, जो भी दलीलें हैं, वो सब के सब रखी जा चुकी है। तो दोस्तों, जो केस है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी जो है कोई चीज़ कमी नहीं है। जितने भी आर्ग्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, वो सब ऑलरेडी दे दिए गए हैं। अब उसका वेट है कि किस तरीके से जो है नेक्स्ट हियरिंग में ये जेसीओ जवानों के पक्ष में ये बेनिफिट मिले। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। सीएसडी के एक बार फिर से नियमों में बदलाव आया हुआ है और दिसंबर 2023 से दोस्तों नए नियम बदल जाएंगे। जैसे पहले दोस्तों ऑलरेडी अगर आप देखें तो सीएसडी के जो एग्जिस्टिंग नियम है, जहाँ पे आप कार अगर लेना चाहते हैं तो जेसीओज, ओआरस, ऑफिसर्स के लिए अलग है। ऑफिसर्स जो है हर 8 साल में जो है कार ले सकते हैं। जवानों के लिए दोस्तों एक जो है वाइल इन सर्विस और दूसरा जब वो रिटायर होकर आते हैं। इसी तरह से दोस्तों जो ये नियम बना रखे हैं टीवी के लिए, एसी के लिए, हर 4 साल में आप 2 टीवी खरीद सकते हैं, हर 4 साल में आप 4 एसी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की रिक्वायरमेंट बनाई गई है कि जिससे कि आपको जो कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं दोस्तों जो नया अभी दिसंबर 2023 से जो चेंजेस हुए हैं। अब दोस्तों दिसंबर 2023 से जो है, अब आप जो भी आपकी डिमांड है आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अपनी डिमांड जो है रेज कर सकते हैं। उस डिमांड से रिलेटेड जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब के सब आप जो है अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पेमेंट कब करनी है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, क्योंकि इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है तो फिर आपका पेमेंट को भी वापस करना पड़ता था। अब क्या है कि इनिशियली ये मेक श्योर किया जाएगा कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो, जो भी आपका वैलिडेशन वो पहले हो, वैलिडेशन जो है पेमेंट के टाइम पे ना हो। उसी की वजह से दोस्तों ये नया जो पोर्टल है उसमें आप जो है ऑनलाइन जाके अपनी डिमांड्स पूरा का पूरा क्रिएट करेंगे। उस डिमांड से रिलेटेड जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप अपने कैमरे से फ़ोटो लेके जो है उसको आप अपलोड करेंगे। डिमांड क्रिएट होने के बाद से आपका काम ख़त्म हो जाता है। अब आपको वेट करना पड़ेगा उसकी वैलिडेशन के लिए। अब क्या है कि दूसरी पार्टी यानी कि सीएसडी की तरफ से जो है उसको वैलिडेट किया जाएगा कि जो भी आपने जो है, जो आपकी डिमांड है, जो डिमांड के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ठीक है कि नहीं है। अगर वो ठीक है
तो वहाँ से क्या होगा, आपका जो है जो भी डिमांड है वो अप्रूव हो जाएगा, और अप्रूवल के बाद से दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा आपका पेमेंट का, जहाँ पे आपको जो है पेमेंट का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप पेमेंट के स्टेप पे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका बाकी जितना भी पेंडिंग है वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जो भी फाइनल दिक्कत हो सकती है कि जो आपका क्रेडिट कार्ड ना चल रहा हो, आपका डेबिट कार्ड ना चल रहा हो, आपके नेट बैंकिंग में प्रॉब्लम हो, बट ये आपका श्योर हो गया क्योंकि वहाँ पे जो है आपका अप्रूव कर दिया गया जो नए सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो वो एक बार आपका अप्रूव हो गया तो फिर आपको जस्ट पेमेंट करके जो भी आपका डिमांड है उसको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों ये दिसंबर 2023 से ये वाला सिस्टम लागू हो जाएगा। बाकी जो आपके, जैसा कि मैंने बताया कि फोर व्हीलर्स हो गया, AFD आइटम्स हो गया, उन सब के जो नियम हैं वही हैं, लेकिन दोस्तों जो नया प्रोसेस है वो आपका जो है दिसंबर 2023 से जो है अपडेट होने लगा है। दोस्तों आप CSD की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको जो है एग्जीक्यूट करना है। इसके अलावा दोस्तों जो पूर्व सैनिक हैं उनको जो है अब जो ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है वो पूरा पक्का BA का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे कि वो हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। जो आप ग्रेजुएशन करते हैं उनको जो है BA का पक्का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।